राधे राधे। हम तो मम्मी के घर से निकल चुके हैं, सभी बहन लोग बिछड़े तो थोड़ा तकलीफ तो हुआ ही, दुख हुआ। और हम जा रहे हैं अपना ससुराल का गांव, जो गांव का नाम है बीजू बीघा। बीजू बीघा जा रहे हैं, ये उसका रास्ता है। चलिए आपको भी अपना ससुराल वाला गांव दिखाते हैं, मेरा ससुराल का गांव कैसा है। और गांव में तो कोई रहता नहीं है, गांव में कोई रहता नहीं है, घर टूटा फूटा है, लेकिन जमीन है, खेत है। तो वही थोड़ा जाने देखने कि चलो देख करके आते हैं। ये रास्ता है, पूरा रोड बन चुका है, बहुत अच्छा रोड बन चुका है हम लोग का गांव का। और बहुत साल पहले आए थे तो उतना अच्छा रोड नहीं बना था, अभी तो बहुत अच्छा पक्का रोड बना है। यही गांव है जो हम लोग को उतना ठीक से रास्ता नहीं मालूम है, तो दूसरे तरफ से जा रहे हैं है? और यहाँ आम का भी गाछ है, पेड़ है। एक बार आए थे तो ये हम लोग का घर है बीजू बीघा का, जो पूरा गिर चुका है। देखिए इसका कब इस जमीन का भाग्य उदय होता है, इसमें घर बनेगा या कुछ। गांव के बच्चे खेल रहे हैं, देखिए। और गांव के बच्चे खेल रहे हैं इधर में। बच्चे बहुत मस्ती में हैं, जो खेल रहे हैं। शाम हो गया है। भैंसी आ रही है, भैंसिया रानी। और पापा बाहर बाहर जा रहे हैं, बाप बेटा दोनों आगे आगे पीछे। का यही खेत है, ये वाला जो जोता हुआ है, और उसके ठीक सामने जो खेत है वो है, दोनों हम लोग का खेत है जो जोता हुआ है। इसमें कुछ बोया हुआ है क्या कि सिर्फ जोता हुआ है? अभी क्या इसमें डाला हुआ है? खीरा था। अच्छा, वहाँ तक अच्छा, पीछे वाला वैसे है और ये वाला ऐसा, ये वाला किसी और। अच्छा, वो गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, तो लगे हके यहाँ रे। बहुत अच्छा लग रहा है हमको यहाँ पे, बहुत मजा आ रहा है। अपना ससुराल का गांव आकर के तो सबको अच्छा ही लगता है, भले रहना पड़े तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन घूमने के हिसाब से आइए तो बहुत अच्छा लगता है। एक आध दिन रुक सकते हैं एक, हाँ, अच्छा से घर बन जाएगा तो रुक सकते हैं, फार्म हाउस बनवा लें कभी भविष्य में। ये गांव तो हम अपना घूम चुके हैं और खेत भी देख चुके हैं कि मेरा कौन सा खेत है। अब जा रहे हैं यहाँ से टाटा के लिए, और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। और सबसे अधिक तो ये जो पेड़ में हम आम देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। आप लोग को कैमरा में इतना दिखता नहीं होगा, लेकिन बहुत अच्छा है, पूरा पेड़ आम से लदा हुआ है देख करके। भुट्टा भी है खेत में, ये भुट्टा का खेत है। और गांव का, और ख़ास करके अपना गांव, अपना ससुराल का गांव आ करके और मज़ा आ जाता है। तो है ये बीजू बीघा हम लोग का गांव है, वो लिखा हुआ है वहाँ। और ये पुल बना हुआ है, रेलवे स्टेशन है, ये रेलवे स्टेशन है बीजू बीघा। हाल्ट मतलब बाजार हुआ ना, हॉल्ट मतलब रुकना, यहाँ रुकना है। बीजू बीघा का मतलब एक स्टेशन टाइप का स्टॉपेज है। और ये पुल बना हुआ है, और ये नीचे, और जो रोड भी बना हुआ पक्का बना, सीमेंट का जो बनता ढलैया वाला वो रोड है। बहुत अच्छा है हम लोग का गांव, लेकिन सिर्फ हम लोग का घर यहाँ नहीं बना हुआ है, सिर्फ घर गिर गया, पुराना था, कोई रहता नहीं है। तो गांव में बहुत ही अधिक आम फला है, लोग बोलते हैं कि इस बार कम फला है, लेकिन हम अपने गांव बीजू बीघा आए तो देखिए बहुत बागीचा है आम का, बहुत पेड़ है, पूरा आम से लदा हुआ है सभी जगह।
जगह सभी जगह। ये देखिए अजीब सा आम है जो, ये आम बहुत प्यारा आम है, बहुत ही अधिक आम है, जहाँ देखिए वहाँ आम ही आम है, बहुत पेड़ में आम है। गांव के चौराहा है, वहाँ पे बात हो रहे हैं भाई, ये बात कर रहे हैं गांव के लोगों से। हम लोग गांव से अब निकल रहे हैं और लेट भी हो गया, कितना टाइम हो गया, 6:30 बज गया। और गांव से ये आम भी मिला है पॉलीथीन में, अपना गांव बीजू बीघा का आम लेकर के निकल रहे हैं गांव से बाहर। ये हम लोग का ठीक घर के सामने ही ये पुलिया है, ये मेरा घर है, रेलवे स्टेशन, और ये गांव है, ये रेलवे स्टेशन है, ये रेलवे स्टेशन है, और ये ही लेफ्ट है बुलेट राजदूतला, बहुत मेन रोड में ही है गांव, बहुत अच्छा लगा। तुम ये पुलिया के नीचे से आता नीता गांव है, देखिए मेन रोड पे ये नाला है, उसके सामने घर दुकान उकान बन रहा है लगता है कुछ, और यही हम लोग का बीजू बीघा गांव है। ये बाहर का सीन है, है गांव से निकल रहे हैं, छोड़ दो हम लगा दिए ये गांव, बाय बाय गांव। और ये बीजू बीघा का यही एक छोटा सा ट्रिप है मेरा गांव का, फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉक में, तब तक के लिए बाय बाय।